मुंबई में 31 दिसंबर के जश्नों को लेकर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यह है बांद्रा वंडरलैंड जो कि बांद्रा रिक्लेमेशन की तरफ आता है। यहां पर कुछ दिन पहले, दो दिन पहले तक लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये जो है बांद्रा लाइटिंग जो थी शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी, 3,000 से 4,000 लोग हर रोज वहां पे जा रहे थे, जिसके चलते अब लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बाहर से ही लोग इस लाइटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज 31 दिसंबर है, नया साल का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। लोग रात के बज रहे हैं 8:15 और 8:15 बजे यहाँ पे बहुत भीड़ आप देख सकते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने ये आ रही है कि शाम को 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक मुंबई पुलिस ने और राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है सारे सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक जगह जैसे कि बीच, ग्राउंड्स, गार्डन, मरीन ड्राइव, वहां पर लोग नहीं जा सकते हैं। 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर बांद्रा वंडरलैंड पे लाइट शो होने वाला है। रात को 8 बजे 15 मिनट के लिए लाइट शो होगा, 9 बजे 15 मिनट के लिए लाइट शो होगा, 10 बजे होगा, 11:30 से 12 बजे तक लाइट शो होगा। ये जो लेजर शो है वो कुछ इसलिए है ताकि लोग आएंगे यहाँ पर, ये जो नजारा है उसे देख पाएंगे, नए साल का जश्न उठा पाएंगे। लेकिन इसी बीच पाबंदियां भी बहुत सारी लगाई दी गई हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए समझ सकते हैं कि कई सारे लोगों ने सामाजिक जो दूरी है उसका पालन नहीं किया है, कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है। उसके साथ साथ ये नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर लोग सारे पहुँचे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि लेजर शो यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर 8 बजे 9 बजे 10 बजे और 12 बजे ये जो लेजर शो हो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक जगह पाबंदियां लगाई गई हैं बहुत सारी, वहीं दूसरी जगह लोग यहां पर जमा हो रहे हैं लेजर शो देखने के लिए बांद्रा वंडरलैंड पे। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।